नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस में कोविड-19 के मामले, पॉजिटिव मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तादाद बढ़ने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है और टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी ज़्यादा हो रही है। इन सब के बीच में संतुलन बना के रखना, हालांकि ये कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठता है कि जम्मू में मृत्यु दर क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, जम्मू में पॉजिटिव मामले क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के चलते एक टीम, 3 सदस्यीय टीम भी जम्मू में आई थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लेकिन इस बाबत हमने बातचीत की अंशु गर्ग से, जो डेप्यूटी कमिश्नर जम्मू है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। आइए देखते क्या कहना है। वेल, दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग। अंशुल जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा कि अब कोविड-19 देहात की तरफ जा रहा है और आपके हमने एफर्ट्स भी देखे, आपने परगवाल भी गए, आरसपुरा भी गए, बिश्नाह भी गए, काफ़ी जगह जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके ऐसे प्रयास रहेंगे कि ये कोविड को देहात में रोका जा सके या कम फैलने? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो केसेस का स्प्रेड है अर्बन एरिया से बदलकर अब रूरल एरियाज की तरफ भी रुख कर रहा है। इसीलिए हमने पिछले 2 हफ्ते पहले एक सब डिविजन लेवल टास्क फोर्सेस बनाई थी हमारी सभी 7 सब डिविजन्स में, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं हेडेड बाय द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर डेली लेवल पे कोविड की सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है, कहाँ कहाँ केसेस इमर्ज हो रहे हैं, टेस्टिंग की टीम्स को रोस्टर्स बना के दिए जा रहे हैं विलेज वाइज, ताकि टेस्टिंग हो सके, कोई भी विलेज छूटना नहीं चाहिए, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट किया जा सके, उनके घर पे पोस्टर्स पेस्ट हो रहे हैं और सभी को कोविड किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। इस सारी एक्सरसाइज में जो लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी लूप में लिया जा रहा है। यही कोशिश चल रही है कि लोगों को लूप में लेकर के और सबको साथ चल करके जो क्लस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, कंटेनमेंट जोन्स भी डेजिग्नेट किए जा रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो लोगों की थोड़ी टेंडेंसी रहती है ख़रीदारी की एसेंशियल्स को लेकर के, वहाँ पर भी हमारे मजिस्ट्रेरियल टीम्स मौजूद रहती हैं और सब्जी मंडी वगैरह में और ग्रोसरी शॉप्स के आसपास भी टेस्टिंग की जा रही है। अंशुल जी, अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिसी प्रोग्राम तो फॉर्मुलेट होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटेड एंड में जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तब वो ढंग से नहीं हो पाते हैं। अभी भी उपराज्यपाल ने घोषणा की है कि पंचायत लेवल पर आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। क्या हमने आइडेंटिफाई किए 5-5 बेड वाले, क्योंकि कल ही घोषणा की गई है उसको लेकर आपका फॉर्मूला इख्तियार किया है आपने? हाँ, देखिए, उसके लिए बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है कि हर एक पंचायत का जो केपेक्स प्लान है उसके अंदर 1,00,000 रुपया डेडिकेट किया गया है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए, 5 बेड की कैपेसिटी का, जिनमें से 1 बेड ऑक्सीजनेटेड होगा। उसी के लिहाज से हमारे ACD साहब जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने वो तुरंत इसी काम पर लग गए हैं। आज सुबह डिटेल में इंटरेक्शन भी उनसे हुआ कि कैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई पंचायत लेवल पर हमारी लोकल पंचायत ही आइडेंटिफाई करेंगी और इनफैक्ट उनमें से कई सारी बिल्डिंग्स वैसे भी एज ऑफ नाउ भी इस्तेमाल हो रही हैं, बट उनको फॉर्मलाइज किया जाएगा सभी 305 पंचायत्स में। कॉन्सेंट्रेटर्स को सेंट्रली प्रोक्योर किया जाएगा जहाँ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है और बेड्स की अवेलेबिलिटी लोकल पंचायत लेवल पर ही की जाएगी। वैसे भी बहुत सारे हमारे सरपंचेस ने इसमें पहले से लीड ली है, बट इसको यूनिफॉर्म तरीके से सभी इलाकों में लागू किया जाए। अंशुल जी, अक्सर देखते हैं हम कि घोषणाएं होती हैं, जैसे उपराज्यपाल ने ये घोषणा की थी कि जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाएगी, जो बेड अर्नर था जिसकी डेथ हो जाती है उनके बच्चों को भी हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, क्या इस पर कोई एक्सरसाइज की गई? मुझे लगता है कि काफ़ी टफ है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सरसाइज की गई है? देखिए, जो भी वल्नरेबल कैटेगरीज हैं या सोशली डिसएडवांटेज हैं सबकी कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही है उनको हेल्प पहुंचाई जा सके। हमारे पेंशन केसेस बड़ा यूनिफॉर्मली स्ट्रीमलाइन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, चाहे ओल्ड एज हैं, विडो हैं, डिसेबल्ड हैं, 1,00,000 लोगों को पेंशन हर महीने दी जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। इसी तरीके से जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनके भी बैंक अकाउंट्स में जो 2,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाई जा रही है। उसके अलावा अगर बहुत सारी स्कीम्स अंडर कंसेप्चुलाइजेशन हैं सरकार की, जिसके लिए गाइडलाइंस बन रही हैं, जैसे जैसे हमारे पास उनकी डिटेल्ड एडवाइजरी आती जाएंगी, गाइडलाइंस आती जाएंगी, उनको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए। अंशु जी, आप भी जानते हैं कि जब जब रियायत दी जाती है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक रियायत दी जाती है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होती है, कुछ एक्शन आपको नहीं लगता कि सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? कहीं हम लापरवाही तो नहीं कर रहे? डेफिनेटली, जैसे कंजेशन जहाँ जहाँ पर भी मौजूद होती है, एक पहला सवाल हमारे मन में यही जाता है कि शायद कोविड का कहीं खतरा ना बने ऐसे इलाकों पर, बिकॉज लास्ट ईयर का ऐसा एक्सपीरियंस हमारा रहा है।
तो उदाहरण के तौर पे बात करेंगे नरवाल मंडी की या होलसेल मार्केट्स हैं हमारी वेयर हाउस की, कनक मंडी की, कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि गैदरिंग ज़्यादा हो रही हैं, तो इन सभी जगह पर दो तरफा अप्रोच है हमारी। पहला ऑब्वियसली अवेयरनेस है, अनाउंसमेंट्स, लाउड स्पीकर की एडवाइजरीज चलती हैं, हमारी टीम्स मौजूद रहती हैं लोगों को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए, मास्क पहनने के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। दूसरा रहता है वायलेशंस को पकड़ना, फाइंस करने और टेस्टिंग को बढ़ाना। तो इन सभी एरियाज़ में हमारी टेस्टिंग टीम्स कॉन्स्टेंटली मौजूद रहती हैं। इन सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अमूमन हर हफ्ते तकरीबन 4 से 4,500 टेस्ट सिर्फ इन 3-4 जगहों पर किए जाते हैं कॉन्स्टेंटली, ताकि पॉजिटिव्स को कॉन्स्टेंटली वीड आउट किया जा सके और किसी भी तरह का खतरा कहीं भी इमर्ज ना। अंशु जी, व्हाट अबाउट वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन को लेकर के कहीं कहीं दिक्कतें आ रही थी, क्या अब वो नॉर्मल हो क्या है? एक तो 18 से 44 वाले, इनको दिक्कत आ रही है, वो तो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, लेकिन जम्मू में उनको दिक्कत आ रही है, स्लॉटिंग नहीं मिल पा रही है। और दूसरा जो 45 से अबव हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग अभी बचे हुए हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, सबसे पहले 45 प्लस की बात करूँगा, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा 45 प्लस का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे सबको कवर करने की हमारी कोशिश है, और मेजॉरिटी ऑफ़ दी लोग, इनफैक्ट 3.5 लाख से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी के कवर हो चुके हैं, फर्स्ट डोजेज़ लगवा चुके हैं। मोबिलाइजेशन ड्राइव्स हमारी फील्ड लेवल पर भी चल रही हैं, पंचायत के ज़रिए भी और हमारी जो टास्क फोर्सेज हैं उनके ज़रिए भी, और कोशिश की जा रही है कि सभी के घर, लास्ट घर तक, सभी 3.5 लाख घरों तक मैसेज पहुँचाया गया है कि अपने आप को वो वैक्सीनेट करवाएँ, जो भी 45 प्लस से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं। बचे हुए लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हम हमारी पंचायत के ज़रिए ही कर रहे हैं, उन्हीं को बताया जा रहा है कि वो आइडेंटिफाई करें लोगों को, मोटिवेट करें उन लोगों को कि वो पहुंच सके हमारे अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए डोजेज़ की कोई दिक्कत कभी सामने नहीं आई है। सेकेंडली, 18 to 44 जो कैटेगरी है, उसके अंदर आपने सही फरमाया कि जम्मू और श्रीनगर दो सिटीज़ में ये सबसे पहले शुरू हुई थी, और आज भी लगातार वैक्सीनेशन इन सभी दोनों सिटीज़ में चल रही है। तकरीबन 300 स्लॉट्स हमारे डेली ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे लोग पहुँचते हैं और वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वैक्सीनेशन सप्लाईज और ऑगमेंट होंगी हमारे पास सरकार की तरफ से, वैसे वैसे इनके स्लॉट्स को और बढ़ाया जाए। अंशुल जी, सवाल आपसे पर्टेन नहीं करता है, लेकिन आप जिला के प्रमुख हैं, डेथ रेट के क्या कारण, पिछले वेव 1 के मुकाबले में वेव 2 में डेथ रेट बढ़ी है, क्या कारण मानते हैं? जम्मू की बात कर रहा हूँ। डेथ रेट डेफिनेटली हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन ने एक स्टेटिस्टिक्स जारी किए थे, जिसके अंदर एक अमंगस्ट अदर रीजंस, एक खास रीजन सामने आया था लेट रिपोर्टिंग का, कि तकरीबन 1/3 ऑफ दी डेथ्स वैसी हुई हैं जो 48 घंटे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी डेथ होगी, विद इन 48 to 72 आवर्स। विच मीन्स कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हॉस्पिटल तक ही काफ़ी लेट पहुंचे, तो हमारी मेडिकल टीम की पकड़ में ही काफ़ी लेट आए। इसके लिए ही लोगों से हमने कॉन्स्टेंटली अपील की है, हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन था उसमें भी हमारे पैम्फलेट सर्कुलेट हुए हैं, जिसके अंदर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में यही लिखा हुआ है कि जो भी लोग हल्का सा भी सिम्टोमेटिक फील करते हैं, तुरंत अपने आप को टेस्ट ज़रूर करवाएं, इससे छुपने का या पैनिक करना जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। मेडिकल एडवाइस और मेडिकल हेल्प जो है वो सही वक्त पर मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मेडिकल हेल्प के भी तरीके कई सारे हैं, हमारे कोविड केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास 108 की एम्बुलेंस सर्विस है कि अगर तुरंत किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो पहुंचाया जा सकता है। हमारे ट्रायाज फैसिलिटी सीडी हॉस्पिटल और गांधीनगर में चल रही हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की जहां भी रिक्वायरमेंट हो लोगों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन जो है उसके खिलाफ डॉक्टर्स बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि वो अच्छी बात नहीं है, खास करके ऑक्सीजन और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को लेकर, कि वो सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही लेने की ज़रूरत है। तो उन्हीं चीज़ों पर हमारी बार बार कोशिश चल रही है कि अर्ली डिटेक्शन जो है और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेथ रेट को कम। अंशुल जी, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है? वेव 1 में शायद लोगों का ऐसा अनुभव रहा हो कि घर में बेहतर है हॉस्पिटल जाने से, कहीं ऐसा तो नहीं लगता? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट का कारण जनरली ऐसा रहता है कि जब पैनिक हो जाता है सिस्टम में, क्योंकि कोविड वेव की अगर हम स्पीड देखें तो पिछले साल के मुताबिक कंपेयर करें तो स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ बहुत फास्ट रहा है, नंबर ऑफ केसेस के अंदर, तादाद के अंदर इजाफा बहुत कम टाइम में आया है। आज की डेट में भी देखें तो 7,500 एक्टिव केसेस हैं, और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स भी सामने आई हैं वो भी पिछले एक साल के फिगर के मुताबिक पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ही तकरीबन उतनी डेथ्स हमें देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं
इमोशनल तौर पे भी लोग जो हैं, सोसाइटी जो है एज अ सिस्टम भी बहुत जल्दी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इस वजह से ये शायद नेचुरल भावना हमारे मन में आ जाती है, इसीलिए उसी को काउंटर करना फैक्ट्स के थ्रू बहुत ज़रूरी है कि जो अर्ली इंटरवेंशन और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज़रूरी रहती है और सही वक्त पर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होगी तो भी डॉक्टर्स ओपिनियन अपनी दे करके उनको होम आइसोलेशन का प्रोटोकॉल ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं रादर देन कि हम खुद अपना इलाज करें। तो आई थिंक ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। जी अंशुल जी, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पर्याप्त है? क्योंकि लास्ट टाइम ये कहा गया था कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी। देखिए, ऑक्सीजन के बारे में ऑनरेबल LG साहब के ऑफिस से एक डिटेल स्टेटमेंट भी जारी हुई थी एक दो दिन पहले कि कैसे 1 अप्रैल के पास हमारे पास तकरीबन 15,000 LPM की कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ाकर 50,000 LPM किया गया है और ऑगमेंटेशन कई तरीके से हुआ है। जम्मू के अंदर मैं बात करूँ तो GMC, CD हॉस्पिटल, ओल्ड ब्लॉक, MCH गांधीनगर, सब जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स कमीशन किए गए हैं। हमारी ऑक्सीजन जो जनरेशन कैपेसिटी है काफ़ी हद तक बूस्ट हुई है। अकॉर्डिंगली हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है और जो हमारी सिलेंडर्स की जो लोकल प्रोडक्शन है हमारी ऑक्सीजन की, उसको भी जो है स्ट्रीमलाइन हुआ है काफ़ी प्रोसीजर उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एज ऑफ नाउ ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटीज़ के अंदर कोई कमी नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 250 से 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स थ्रू कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो है इंश्योर किए गए हैं पिछले 10 दिनों में, और रूरल एरियाज तक भी ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं अब काफ़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा रहा है। अंशुल जी, ब्लैक पावर किटिंग भी बात सामने आ रही है, जो फार्मासिस्ट है जो फार्मा का काम करते हैं, चाहे ऑक्सीमीटर की बात हो, कंसनट्रेटर्स की बात हो, बड़े कॉस्टली हो गए हैं। इस पर भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको लगता है? इवन डोनर तक की कास्ट बढ़ा दी गई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सांसों की खरीदारी की जा रही है। देखिए डेफिनेटली इसीलिए जो कोविड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिन से चल रहा है, 4,000 से ऊपर किट्स हम बांट चुके हैं, उसके अंदर ऑक्सीमीटर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसका, और बेसिक एसेंशियल ड्रग्स भी हैं सभी पॉजिटिव केसेस के लिए। और आज की डेट में भी हमारा कंट्रोल रूम 24 आवर फंक्शनल है, ताकि किस तरीके की ओवर प्राइसिंग, ओवर चार्जिंग और अवेलेबिलिटी इशूज़ को टैकल किया जा सके। पैरेलल एक्सरसाइज चल रही है हमारी फील्ड टीम्स के द्वारा, जो इंस्पेक्शंस कर रही हैं, चाहे वो मेडिसिन केमिस्ट शॉप्स हों, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हों, चाहे वो सब्जी फ्रूट की बात हो, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस दोनों चीज़ों पर चेक रखा जा सके और किसी तरह की जो इनकन्वीनियंस है कस्टमर्स को ना हो। वायलेशंस को भी बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है, सीलिंग भी की जा रही है उन्हीं केसेस में जहाँ जहाँ पर दुकानें किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस की तरफ जा रही हैं। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, लीगल मेट्रोलॉजी की टीम्स हैं, सभी को एक्टिवेट किया गया है इन चीज़ों को लेकर, और कंट्रोल रूम नंबर्स को भी सर्कुलेट किया गया है। जो कंप्लेंट्स हमारे पास ऑन अ डेली बेसिस रिकॉर्ड होती हैं, उनका लॉग मेंटेन किया जा रहा है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। अंशुल जी, लास्ट रिचुअल परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस आपने निर्धारित किए हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या है एक्चुअल गाइडलाइन जब अंतिम संस्कार किया जाता है? देखिए, अंतिम संस्कार के लिए एक डिटेल्ड SOP जो है वो हमारे ऑफिस से निकलता है। जो भी डेथ्स होती हैं उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल है, बॉडीज़ को रिलीज़ करने का भी और लाइट स्ट्राइट्स का भी। हमारी टीम्स PPE किट्स भी एडिशनल प्रोवाइड करती हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ अपने तरफ से मदद उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जम्मू के अंदर डिफिनेट एरियाज़ के लिए, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट की सुपरविजन के अंदर लास्ट राइट्स हम करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे मोमेंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा हमारी तरफ से भी जो सुपरविजन के साथ साथ थोड़ी सपोर्ट भी फैमिली को अवेलेबल रहे, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना फैमिली के लिए हो ना सोसाइटी के लिए एट लार्ज हो। जहाँ जहाँ किसी तरह की वायलेशंस नोटिस में आई हैं उसका भी स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस हमारी टीम्स ने लिया है और सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। अंशुल जी, अमूमन होता है क्या कि हिंदू धर्म में गंगा पर अस्थियां ले जाया जाता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं कि जिनका अंतिम संस्कार होता है उनके परिवार वाली उनकी अस्थियां लेकर के गंगा तक तो पहुंचे? देखिए, एज ऑफ नाउ इस तरीके का कोई अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, लेकिन अगर जो फैसिलिटेशन, अगर किसी कोई ऐसी फैसिलिटेशन हमसे मांगता है तो उसके बारे में कंसिडर किया जा सकता है, बट ऐसा कोई केस एज ऑफ नाउ सामने नहीं। आखिरी सवाल अंशुल जी, मुझे पता आपके पास टाइम नहीं है, आखिरी सवाल, अगर होलसेलर के लिए आप टाइम बढ़ा देते हैं तो रिटेलर्स के लिए आपको नहीं लगता है टाइम बढ़ाना चाहिए? रिटेलर्स का ये एलिगेशन रहता है कि होलसेलर तो दुकान खोले रखते हैं, जो रिटेल में जिन लोगों ने घर घर तक सामान देना है उनके लिए कम समय कम है।
देखिए, होलसेलर्स का और रिटेलर्स का आज की डेट में टाइम सेम है, 6 से 10 का कोई फर्क नहीं है दोनों कैटेगरीज में। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन नरवाल मंडी की है, वो भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि फार्मर्स और जो बहुत सारे सेलर्स काफी दूर से आते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में आने में थोड़ी उनको दिक्कत हो रही थी और थोड़ा कंजेशन के इश्यूज थे। लेकिन क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस है और रूरल एरिया से बहुत सारे लोगों को आना होता है जिनकी फैसिलिटेशन के लिए ज़रूरी था, सिर्फ उस एक केस में एक्सेप्शन किया गया है, बाकी सभी केसेस में टाइमिंग्स जो यूनिफॉर्म। अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, आखिर नौबत क्यों आती है? जैसे डिप्टी कमिश्नर अंशु गर्ग ने बताया कि सख्ती करनी पड़ती है, आखिर नौबत क्यों आती है? लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? लोग क्यों नहीं मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ही लाजमी है? लेकिन ऐसा होता है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के बावजूद भी लंबी लंबी कतारें देखी गई। जो आप दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर और लापरवाही है? तो दर्शकों, अगर कहीं सख्ती देखी गई तो वहाँ तारबंदी बिश्नाह में की गई थी। बिश्नाह में सख्त तरीके से लॉकडाउन को लागू किया गया था। हालांकि वहाँ भी कुछ बाइकर्स को देखा गया, लेकिन तारबंदी इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं थी। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से सख्ती से लॉकडाउन को नाफिज किया जाना चाहिए, ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके और जो कपड़ों से ज़्यादा, कुर्तों से ज़्यादा कफन बिक रहे हैं, उस पर अंकुश लग सके। दर्शकों, मुलिटन की बात करें, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स, एसोसिएट हॉस्पिटल्स का है, तो उसमें एक फिगर का अंतर है, यानी डिस्चार्ज जो है 57 हुए हैं और एडमिशन जो हुई है 58 हुई है। यानी अगर संतुलन बनाया जाए, बैलेंस बनाने की बात की जाए, तो एक व्यक्ति ज़्यादा एडमिट हुआ है। आइए देखते क्या कहना है शशि। आज की डेट में हम 895 बेड्स की कैपेसिटी बना चुके हैं जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, 895, और 781 पेशेंट्स हैं। पिछले 24 घंटों में हमारे पास 58 एडमिशन्स हुई, वो मार्जिनली कम है जो ज़्यादा एडमिशन्स हो रही थी। 111 तक हमारा नंबर गया था, लेकिन कल का ये बता रहा कि एडमिशन्स 58 हुई हैं और 57 लोग डिस्चार्ज हुए, लेकिन 15 डेथ्स भी हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा बैलेंस है, जिसमें को ये जो एनफोर्स्ड कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन का इफ़ेक्ट थोड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कर्फ्यू हटा भी दिया जाए या कुछ रिलैक्सेशंस भी हों, तो जनता की नासमझी की कोई गुंजाइश नहीं है।
ये कि फिर से गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग या छोटी गैदरिंग, कोई भी गैदरिंग मेरे ख्याल में नहीं प्लान होनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि ट्रांसमिशन चेन रोकने का ये एक होता उपाय समझ लीजिए कि जब तक हम ये ट्रांसमिशन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे नहीं रोकेंगे, पैंडमिक जो है कब क्या पोटेंशियल इख्तियार कर ले वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। एक अनुशासन की बात है कि सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल जिसको भूलना हम अफोर्ड नहीं करते, जिसमें मैंडेटरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जिला उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवर चिब ने भी आज बताया कि पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग लापरवाही ना करें, अलबत्ता प्रशासन के पास पूरी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि प्रशासन इस पेंडेमिक से निपट सकता है। जिसका नाम महामारी है कहना आसान है, लेकिन उनका कहना है कि जिस जो लक्षण, सिम्टम्स और ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक सारा सामान उनके पास पर्याप्त है। इट इज़ 291 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स, जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास हैं, जिसमें से कि 262 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, राइट, और ब्रावो टाइप 468 हैं। 468 इज़ अ बिग नंबर, जिसमें से कि 99 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। जो हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पर डे, पिछले दिन जो टोटल पॉजिटिव केसेस आए उसमें से 57% वो केसेस थे जो कि रैंडम ILI सिम्टम्स, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स रैंडमली वो थे। यानी 57% आबादी ऐसी है जो खुले में है, खांसी जुकाम से पीड़ित है, और वो फिर कभी आती है तो हम उनका टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि पॉजिटिविटी पॉपुलेशन में आ रही है और उसके बढ़ने, उसको बढ़ने ना दिया जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत भक्त का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी जिलों में व्यवस्था की जा रही, वैसे ही पुंछ में भी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह में दो मरतबा बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिससे बताया जाएगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं की। हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड ब्रीफिंग रखी गई है और हर हफ्ते में हर डिस्ट्रिक्ट को दो बार जो है कोविड का ब्रीफिंग करना है। उसका जो मेन मकसद है यही है कि लोग ये जाने कि कोविड को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और कोविड की सिचुएशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तैयारियाँ जो पिछली बार भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने टेलीमेडिसिन की सर्विस शुरू की है, टेस्टिंग के लिए टीम्स बना के रखी हैं, वैक्सीनेशन के लिए टीम्स बना के रखी हुई हैं और एंट्री पॉइंट्स पे हम जो है विग्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा जो चिंता का विषय है जो डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि पिछले 10 दिन से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6% आ रहा है, जो थोड़ा हायर साइड है, और जो हमारा डेथ रेट है वो भी 2% के आसपास आ रहा है, वो भी हायर साइड है। तो उसका हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इन चीज़ों के पीछे जो है वो क्या वजहें हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये दो रेट्स जो हैं ये हायर साइड पे आ रहे हैं। तो कुछ तो मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि लोग जो हैं लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिले रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अस्पताल में लेट आ रहे हैं, इसके बावजूद भी कि हमने कोविड की ट्रीटमेंट के लिए एक 100 डेडिकेटेड ऑक्सीजन बेड्स रखे हुए हैं। लोगों को मैं अपनी टीम्स के थ्रू जो है वो बता रहा हूँ कि आप घर पे इलाज मत करिए, आप हॉस्पिटल्स में आइए, हमारे पास हॉस्पिटल्स में कमिटेड बेड्स हैं, हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स हैं लेवल 3 पे, आप वहाँ आइए और घर में जो है नहीं रहिए जिनको सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। दर्शकों, शोपियां के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि उनके पास भी पॉजिटिव मामले कम हुए हैं और ठीक होने वाले मामलों में भी रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है कि गैस की, यानी
ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी ना हो। सबसे पहले मैं शोपियान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछला जो हफ्ता रहा और ये जो हफ्ता रहा उसमें लॉकडाउन का वो अच्छे से पालन कर रहे हैं, पूरी तरीके से हमारा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मौके पर हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उनका बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि हमारा जो जिला है उसका वैक्सीनेशन लगभग 98% जो डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उससे काफ़ी सहूलियत भी है हमें कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं जो कि बहुत कम है, एवरेज से भी कम है। तो लोगों का ही पूरा योगदान है, हमारे डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पूरी लगी हुई है, जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे तन मन से लगे हुए हैं और लोगों का भी वो अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपको पता है कि देश भर में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरुआत में रही है और लेकिन अभी वहाँ भी सुधार हो रहा है। उसी तरीके से जो हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं वो पहले 290 थे, जिसमें हम 100 का टारगेट रखे थे कि 1000 LPM का जो प्लांट फंक्शनल है उसके हिसाब से, बट अगर हाई फ्लो की हम बात करते हैं तो कभी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बेड्स रिड्यूस हो जाते हैं। बट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, बल्क सिलेंडर्स भी हैं जो इसका पूरा सप्लीमेंट करते हैं। दर्शकों, वेयर हाउस फेडरेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। जब कोविड शुरू हुआ था, वेव सेकंड शुरू हुई थी, उस वेव के शुरुआत में इन्होंने कहा था कि वो लॉकडाउन करेंगे, वीकेंड लॉकडाउन करेंगे, साथ साथ उन्होंने अपनी दुकानों का समय भी बढ़ा दिया था, कम कर दिया था, 9 बजे से 6 बजे तक कर दिया था। और अब उन्होंने 3 वार रूम खोले हैं जिसमें ऑक्सीजन, दवा और खाने की बात है, यानी हर एक स्तर पर, फ्रंट फुट पर ये एसोसिएशन है। या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह और उसके साथ हमने 3 वार रूम तैयार किए हैं। जो पहला वार रूम है हमारा ऑक्सीजन वार रूम है। ऑक्सीजन वार रूम में हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, 6 लोगों के हेल्पलाइन नंबर दिए हैं मैंने, और इसमें ऑक्सीजन जो सिलेंडर 120 सिलेंडर हमने प्रक्योर किए हैं और 5 बाईपैप मशीनें प्रक्योर की हैं और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है हमारे पास है, उसके नाते हम जो है ये राशन का वार रूम बनाया है। इसमें लोग जो है हमारे जिन लोगों के नाम लिखे हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।